मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। ये इंडिया गठबंधन की आनंद फानंद की बात नहीं है, चुनाव नतीजे आने से पहले ही इस बैठक का आयोजन किया था और उससे पहले ही सभी को सूचित किया गया था। मुझे मालूम है कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही 2 दिन पहले खड़गे साहब ने उद्धव जी से बातचीत की थी और खड़गे जी का ये कहना था कि चुनाव नतीजे आएंगे, वो नतीजे क्या है हम अभी बोल नहीं सकते, लेकिन हमको मिलना है सबको, तो आनंद फानंद की बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और खड़गे जी से पहले पार्टी के और बड़े नेताओं ने भी हमसे संपर्क किया था कि हम इस प्रकार की बैठक करने जा रहे हैं 6 तारीख को, और उद्धव जी ने कहा कि ठीक है अगर सब लोग दिल्ली में मिलते हैं तो मैं जरूर आ जाऊंगा, और उद्धव जी कल यहां दिल्ली पहुंचेंगे और बैठक में शामिल होंगे। देखिए चुनाव के पहले भी उनकी रवैया कुछ इस तरीके ही थे, इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो, कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो, ये भी उन्होंने नहीं की थी। देखिए जो इंडिया अलायंस है सब इंटैक्ट है, सब लोग एक साथ हैं, जो भी कमियां हैं जो भी दिक्कतें हैं वो सब हम एक साथ करेंगे, क्योंकि हम इस कमिटमेंट से आए हैं, इस रिजॉल्व से आए हैं कि जो देश के सामने दिक्कतें हैं, जो ध्रुवीकरण की बात हो, फार्मर डिस्ट्रेस हो, महिलाओं के बढ़ते क्राइम्स हो, बेरोजगारी हो, इन्फ्लेशन हो, ये सारे मुद्दे देश की प्रायोरिटी है, संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको खत्म किया जा रहा है, तो इन सब मुद्दों के इस कमिटमेंट से हम आए हैं, क्योंकि शॉर्ट नोटिस था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, अपना शेड्यूल रीअरेंज नहीं कर पा रही हैं, तो वो हम लोग अपनी व्यवस्था देख लेंगे किस तरीके से जल्द मीटिंग हो और सारे जो है मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो।